फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज है वेडनेसडे और अभी है सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पर मम्मी जी और मैं दोनों लोग हैं किचन में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये वॉश कर रही हूँ सब्जियाँ, तो हरी मिर्च, धनिया, टमाटर और भी जो सब्जियाँ आई हैं। तो मॉर्निंग में जो भी सब्जियाँ आती हैं इनको सबसे पहले तो हम धुल लेते हैं, इसके बाद ही इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस का जो डर है इसकी वजह से थोड़ा सा साफ़ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मम्मी कर रही है धनिया कट, क्योंकि मम्मी बनाने वाली है मसाले वाला नमक। तो इसके लिए आज पापा जी ने काफी सारा धनिया परचेज किया है और धनिया को अच्छे से धुल लिया है। इसके बाद मम्मी यहाँ पर धनिया को काट कर इसे मिक्सर ग्राइंडर में नमक के साथ पीस लेंगी और इसे एक स्टील की थाली में फैलाकर रख देंगी स्टेबलाइजर के ऊपर। स्टेबलाइजर में थोड़ी सी हीट रहती है तो ये धीरे धीरे करके सूखता रहेगा, क्योंकि नीचे तो धूप आती नहीं है और जहाँ पर अगर धूप आती हो तो सब लोग धूप में सुखा लेते हैं और हम लोग ऐसे ही सुखाते हैं। और इसके बाद फिर मम्मी मसाले वाला नमक बनाएंगी, जो कि हम लोग खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली। हमारे घर में सब लोग इसी नमक को खाना पसंद करते हैं। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, इसके बाद किचन भी क्लीन हो गई, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में चाय पानी करते हैं तो थोड़ी सी किचन फैली जाती है। साथ ही जो बर्तन वगैरह थे सब कुछ क्लीन हो चुके हैं और दूध गर्म हो गया और सब्जी बन चुकी है, साथ ही दाल गैस पर रखी हुई है। और अब मैं यहाँ पर आटे को गूंथ रही हूँ, तो आटा वगैरह लगाकर सब कुछ कंप्लीट प्रिपरेशन करके रख दूंगी। किचन तो क्लीन है ही, तो जब लंच बन जाएगा, मतलब कि रोटियां सेक लूंगी, इसके बाद एक बार फिर से किचन को क्लीन करूंगी, क्योंकि आजकल मेड वगैरह तो नहीं आती है, तो कंप्लीट घर का सारा काम हम लोग ही करते हैं। तो मॉर्निंग में सारे काम हो चुके हैं, आज तो मशीन भी लगी है नीचे ऊपर दोनों, तो नीचे वाले कपड़े सब वॉश हो चुके हैं। और यहाँ पर ये देखिए आटा वगैरह मैंने गूंथ दिया और मुझे लगी है प्यास, थोड़ी सी गर्मी होने लगी है, तो मैं यहाँ पर पीने वाली हूँ 2 गिलास पानी। और पानी गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, जितना भी पी सको उतना अच्छा रहता है। तो इस तरीके से लंच की प्रिपरेशन हो गई, मॉर्निंग वाले सारे काम मेरे फिनिश हो चुके हैं, तो क्लीनिंग, कपड़े वॉश करना, ब्रेकफास्ट, उसके बाद किचन क्लीन, लंच की प्रिपरेशन, सब कुछ हो गया। और मम्मी ने भी अपना धनिया वगैरह सब कुछ करके रख दिया है। और इसके बाद मम्मी और मैं दोनों लोग आ गए हैं बेडरूम में। तो मम्मी यहाँ पर थोड़ी देर फोन चलाएंगी, अपना फेसबुक, व्हाट्सअप सब कुछ देखती है मम्मी, यूट्यूब पर वीडियो भी देखती है। और अब मैं यहाँ पर काव्या को करा रही हूँ होमवर्क, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें टाइमिंग रहती है, एक्चुअली टीचर्स का ही कहना है कि 9 से 5 के बीच में उनको कंप्लीट होमवर्क चाहिए। तो 5 तो फिर बहुत देर में हो जाता है, मोस्टली पेरेंट्स दोपहर को 1 बजे तक अपना बच्चों को काम कंप्लीट कराकर उन्हें सबमिट कर देते हैं। उन्हें प्रेजेंटेशन भी देनी होती है बच्चे की, और जो भी ये अपना करते हैं ये भी सब उनको सेंड करना होता है। तो यहाँ पर मैं कराऊंगी काव्या को काम और कार्तिक पढ़ रहे हैं बाबा से बाहर के रूम में। तो इस तरीके से मॉर्निंग में मेरा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? अभी दोपहर का 1:30 बज रहा है और मैं आपसे मिल रही हूँ अब। और आज दिन है वेडनेसडे और डेट है 8 अप्रैल और टाइम हो चुका है दोपहर के 1:30 बज गए हैं। तो घर में सबका लंच हो गया और उसके बाद बस किचन वगैरह क्लीन करना, बर्तन क्लीन करना, सारा सब कुछ काम फिनिश कर कर मैं आ गई हूँ ऊपर रूम में। और गणेश जी की पेंटिंग अभी वहीं पर रखी हुई है, तो मैं इस पेंटिंग को ऊपर यहाँ पर सेट करूँगी। बट उससे पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे एक जो पॉलिथीन आती है टाइट वाली, जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है, उससे इसको कवर कर दूँ, क्योंकि गंदी हो जाएगी। और एक ये स्टूल आ गया है आज नीचे से, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूल रखा था उस पर मैंने प्रिंटर रख दिया है बेडरूम में, और मुझे स्टूल की ज़रूरत है क्योंकि मैं आपके साथ मेरे सेकंड चैनल पर जो वीडियो शूट करती हूँ वो सब आपको पता है यहीं पर बैठ कर करती हूँ। तो मुझे बैठने के लिए कुछ चाहिए था, तो मैंने ये वाला स्टूल नीचे से ले आई हूँ। ये एक्स्ट्रा में नीचे पड़ा हुआ था, इसका कोई काम नहीं था। और घर में सबका लंच हो गया लेकिन मेरा लंच अभी नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी, तो मैंने मेरा खाना जो है थाली में लगा रख दिया था और अभी बस उठा कर ले आई हूँ। साथ में थोड़ा सा ये सामान लेकर आई हूँ, तो मैं समर के लिए
एक बहुत ही अच्छा सा टमाटो फेशियल आपके साथ शेयर करूंगी, और ये वीडियो देखते हैं आज जाता है या फिर कल जाता है, क्योंकि बनाने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर एडिटिंग करूंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ ही मेरे कपड़े पड़े हुए हैं धुलने के लिए, तो मॉर्निंग में मशीन लगाई थी मैंने, नीचे भी लगा दी थी ऊपर भी लगा दी थी। तो नीचे मैं कपड़े वॉश कर रही थी, धुल गए थे, पानी में निकालने थे साफ़ में, साथ ही ड्रायर करने थे, बट लाइट चली गई और मैं आ गई ऊपर नहाने के लिए। और जब मैं ऊपर आ गई तो फिर लाइट आ गई, तो फिर वो सारे कपड़े मम्मी ने वॉश कर लिए थे। तो ऊपर कपड़े थोड़े से ज़्यादा आए आज, नीचे कम थे, तो नीचे के तो फटाफट से धुल गए, दो बार के लिए थे। ऊपर थोड़े ज़्यादा हैं, तो देखते हैं जब टाइम मिलेगा तब वॉश कर लूँगी। और मेरा लंच बनकर रेडी है, मतलब रेडी क्या है, रेडी तो सबने खा लिया है बट मैंने नहीं खाया है, तो आपको दिखा देती हूँ, आपके साथ शेयर ही नहीं किया था कि क्या क्या बनाया है। तो लंच में बना है दाल सब्जी रोटी राइस एंड सलाद, तो खीरा टमाटर प्याज ये सब कुछ। और खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तभी खाऊंगी। काव्या को यहाँ पर मिल गई है 1 साल के बाद उन्हें उनकी गाड़ी। तो ये शिफ्टिंग में जब हमने शिफ्ट किया था तो उस टाइम हमारे घर में काम चल रहा था, आप सबको ध्यान होगा, तो ये सब सीमेंट में सब में गद्दी हो गई थी और ये टेरेस पर जो रूम है उसमें पड़ी हुई थी। तो जब काव्या ने भी देखा था तो काव्या उस दिन कह रही थी कि मम्मा इसे ले चलो, इसे क्लीन कर दो। तो फिर मैं इसे नीचे ले आई थी, मैंने इसे क्लीन कर दिया अच्छे से और फिर इसको दिख गई तो ये बहुत ज्यादा खुश हो गई। तो मैंने यहाँ पर ये थोड़े से कपड़े धुल लिए हैं, थोड़े से अभी धुल रहे हैं, तो जो कपड़े ड्राई हो चुके हैं इनको मैं फैला दूंगी साथ के साथ, ठीक रहता है। और इस टाइम वेदर भी थोड़ा सा ठीक हो गया है कि अगर कपड़े थोड़े से ज्यादा भी हैं तो आधे कपड़े धुलकर डालो, तो जब तक दूसरे डालोगे तो फिर वो वाले सूख भी जाते हैं जो हल्के होते हैं, और नहीं फिर थोड़ी देर के लिए चेयर पर रख दो और फिर जो सूख जाए हटा दो, फिर उनको फिर से फैला दो। और गाइस आप सबको यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर फोन मेरा ट्राईपॉड पर सेट नहीं है, फोन को मैंने विंडो पर रखा हुआ है और मेरा ट्राईपॉड बहुत ज्यादा खराब हो गया है, बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है, मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई हूँ और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। और आजकल जो लॉकडाउन की वजह से कोरियर सर्विस सब कुछ ही बंद पड़ा है, तो अभी मंगा भी नहीं सकते, तो जो भी है जैसा भी है बस उसी से काम चलाना है। बहुत सारी चीजें होती हैं आपके साथ शेयर करनी होती है बट मैं नहीं कर पाती हूँ और फिर छोड़ ही देती हूँ कि चलो छोड़ो फिर नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। और ये काव्या टैडी बिठाकर घूम रही थी गाड़ी पर, बहुत ज्यादा आज इनका खेल हुआ है। और बस कपड़े धुल गए हैं, सब फैला दिए हैं और इसके बाद मैं हे गाइस, तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ एक वीडियो शूट करके। तो मैंने मेरे सेकंड चैनल के लिए एक वीडियो शूट किया था जो कि था समर स्पेशल फेशियल, एक बहुत ही अच्छा 100% नेचुरल होम रेमेडी है, उससे मैंने फेशियल करके दिखाया है। और मैं इसका रिजल्ट आपको बता दूँ, बहुत अमेजिंग है, इससे स्किन क्लियर बनेगी, ग्लोइंग बनेगी और बहुत कुछ इसके फायदे हैं, ये आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेगा। तो जो लोग भी मेरा सेकंड चैनल वॉच नहीं कर रहे हैं ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग उसको लाइक कर रहे हैं और वहाँ पर भी मेरे बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर हैं जो मेरे सेकंड चैनल को वॉच करते हैं। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। और मेरे सेकंड चैनल का नाम है ब्यूटी विद कृतिका, और आपको माई अदर चैनल नेम करके मैंने नीचे लिंक डाला हुआ है, ऐसे भी आप वहाँ लिंक पर क्लिक करके भी डायरेक्ट आप मेरे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो अभी बज चुका है 4 और आज मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, तो लगभग मेरा एवरीडे ऐसे ही जाता है। कभी कभी मैं काम करने में आलस कर जाती हूँ, ना तो कोई वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, ना कोई सेकंड चैनल का वीडियो बनाती हूँ। कभी कभी मैं दोपहर को सो जाती हूँ, जो मन करता है टीवी देखने का मन करता है, कोई मूवी आ रही होती है अच्छी साउथ की तो वो देख लेती हूँ। तो अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, कपड़े वॉश वगैरह जो कर रही थी एक शिफ्ट में पहले धुल लिए थे, फिर दोबारा में धुल लिए, उसके बाद वीडियो शूट किया, एक वीडियो एडिट किया। और वीडियो की टाइमिंग मैंने आपके साथ शेयर की है, 5 बजे आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन वीडियो अभी तक सेव ही नहीं हुआ है। 10-12 मिनट का वीडियो है, पिछले 1.5 घंटे से लगाए, सेव ही नहीं हुआ है। सेव हो जाए तो इसे आपके साथ शेयर भी करना है। और जो अभी मैंने वीडियो शूट किया है इसे कोशिश कर रही हूँ कि मैम आज इसकी अभी एडिटिंग हो जाए तो आप लोगों के साथ इसे भी शेयर कर दूं, क्योंकि वहाँ पर भी आप सब लोग मेरा वेट करते हैं कि मैं बहुत अच्छे से आपके साथ वीडियो शेयर करूं। और चलिए गाइस पियेंगे थोड़ी सी चाय और उसके बाद करते हैं आपसे बात।
गाइस नीचे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने चाय बनाकर पी ली है और उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मम्मी ने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं गोलगप्पे। तो मैं यहाँ पर इन गोलगप्पों को बेल रही हूँ और मम्मी सेक रही है। और जब मैं चाय पीने के लिए नीचे आई थी उससे पहले ही मम्मी ने ये आज गोलगप्पे बनाए हैं आटे वाले। तो आटा पहले ही गूंथ कर रख दिया था और बहुत अच्छे बने थे। और आजकल वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चों का आजकल नई नई चीजों का, बच्चों का ही क्या बड़ों का भी बहुत मन करने लगा है कि गोलगप्पे खाएं, ये खाएं, वो खाएं। लेकिन जो भी घर में बनना पॉसिबल है तो फिर अब हम लोग कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं। और आजकल जैसे मोस्टली मैं आपको बता दूं, जितने लोगों से फोन पर कॉल्स होती है, जिनसे हम बात करते हैं, आजकल हर किसी के घर में गोलगप्पे, समोसे, ये सब कुछ बन ही रहे हैं। क्योंकि बाहर का तो आ नहीं पाता है तो घर में ही बनाकर खा लें। और मैंने इनको अपना फोन दिया हुआ है, मैंने बोला कि दिखाओ मम्मी काम कर रही है। और यहाँ पर अभी शाम हो चुकी है तो कार्तिक कर रहा है बाबा के साथ पढ़ाई, तो अभी दोनों ही बच्चे कर रहे थे। पहले मैं एक क्लिप लेने वाली थी, फिर मैं कुछ करने लगी तो ध्यान ही नहीं रहा, बट मुझे अभी ध्यान आया तो काव्या की यहाँ पर छुट्टी हो चुकी है पढ़ाई करके। काव्या पूरा बराबर कार्तिक के साथ उतना ही पढ़ती है जितना कार्तिक पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब ज्यादा करती है, तो इनकी छुट्टी जल्दी हो गई है। और अब मैं आपके साथ यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की। आज सुबह से मोहल्ले में हड़कंप कटा हुआ है, सुबह से पुलिस भी आई हुई है, पूरे मोहल्ले के लोग बाहर आकर इकट्ठे हो गए हैं, सबने मास्क पहना हुआ है। और यहाँ पर एक घर है सामने की तरफ, वहां पर लोगों को डाउट है, दो लोगों को कोरोना है और ये बाहर से आए हुए लोग हैं। इनके घर में कोई रिश्तेदार आए हुए हैं। पिछले काफी दिन से लोगों ने नोटिस किया कि इनके घर पर बहुत ज्यादा लोगों की आवाज आई है, 8-8, 10-10 लोग एक बार में आते हैं। और फिर सबने टोका, मना किया कि ऐसा मत करो, इतने सारे लोगों को इकट्ठा क्यों कर रहे हो, जब सब लोगों से कहा जा रहा है कि आप दूरी बनाकर चलें, बाहर के लोगों को ना बुलाएं, ना किसी के घर जाएं, फिर आपको क्यों इतना ज्यादा लोगों को भीड़ भाड़ इकट्ठी करनी है। तब आज जाकर पता चला कि इनके यहाँ पर दो लोग बाहर से आए हुए बहुत ज्यादा बीमार हैं, इनको फीवर वगैरह है। और बाहर से मतलब बोला गया तो फिर ये लोग तो पहले तो लड़ने के लिए आ गए, फिर बाद में पुलिस को फोन किया और फिर एम्बुलेंस आई, फिर उनको चेकअप के लिए भेजा गया। तो अभी 14 दिन के लिए इनके घर को मतलब लॉक कर दिया गया एक तरीके से, और इनको बोल दिया गया है कि घर का कोई भी मेंबर 14 डेज तक घर से बाहर नहीं आएगा जब तक कि इन सब की रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो गाइस अलर्ट रहिए, और जो कुछ बोला जा रहा है कि घर में रहिए, घर में हम जितना रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे, ये हमारे भले के लिए ही कहा जा रहा है, तो इसे फॉलो भी कीजिए। और घर में मोहल्ले में सबने इतना ज्यादा प्रेशर बनाया उनके ऊपर, तब जाकर मतलब उन्होंने चेकअप कराया। अगर कोई नहीं बोलता तो लापरवाही ऐसे ही होती रहती है, और लापरवाही से कुछ भी हो सकता है। अगर उनके घर में कोरोना से पीड़ित कोई भी निकल आया तो मतलब पूरा मोहल्ले में कुछ भी हो सकता है। तो गाइज बी अलर्ट एंड बी सेफ। आगे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।